हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास मोबाइल और आप कैसे कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह फोन पे के थ्रू, कैसे करना है हमारे को फोन पे के अंदर रजिस्टर, तो सारी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ओपन करते हैं अपना गूगल प्ले स्टोर। जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा फोन पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ से भी आप इसको सीधा इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने कर लिया है इसको इंस्टॉल, तो मैं कर लेता हूँ ओपन। आपको भी कर लेना है इसको ओपन। हमारा फोन पे अभी ओपन हो रहा है। तो हमारे को सबसे पहले डालना होगा अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर, जिस भी मोबाइल नंबर से आप पेमेंट करोगे या आपका बैंक में रजिस्टर है जो मोबाइल नंबर, आपको वही नंबर यहाँ पे डालना कंपलसरी है। तो मैं डाल देता हूँ अपना नंबर। मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाल दिया और मैं करता हूँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे मांगेगा अलो, ये बोलेगा भाई SMS का ऑथेंटिकेशन करने का अलो मांगेगा ये हमारे से। तो उसके बाद में आ जाएगा OTP अपने मोबाइल नंबर के ऊपर, जिसको हमारे को यहाँ पे डालना है 4 डिजिट का पासवर्ड, लॉगिन विद OTP। OTP यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपना ID बना रखा है तो इसलिए वो लॉगिन करवा रहा था। उसके बाद में दोबारा से मांगेगा भाई लोकेशन का ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो कर देना हमारे को इसमें वाइल यूजिंग द ऐप, अलो कर देना है इसको। उसके बाद में सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आएगा एड योर बैंक अकाउंट टू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी, तो मैं कर देना है एड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे कर लेना है उस बैंक को सिलेक्ट। तो मैं कर लेता हूँ अपने HDFC बैंक को सिलेक्ट। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप मैसेज भेज देगा बैंक के पास, और जो मेरा UPI था तो इसने ऑलरेडी यहाँ से उठा लिया है मेरा UPI ID। तो मैं करता हूँ प्रोसीड टू ऐड। अगर आपका UPI ID यहाँ पे नहीं उठाएगा तो आपको कर देना है इसमें अपने ATM कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ATM कार्ड के लास्ट 6 डिजिट आपको इसके अंदर डालने होंगे, और साथ में ही आपको यहाँ पे डालना होगा आपका ATM पिन का एक्सपायरी डेट और मंथ। तो मैं करता हूँ प्रोसीड के ऊपर ऐड। तो मेरा बैंक अकाउंट हो गया है यहाँ पे ऐड, तो मैं यहाँ से अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ। हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया, तो हम करते हैं डन। अगर आपको करना है बैलेंस चेक तो कैसे करेंगे बैलेंस, तो हम करते हैं बैंक बैलेंस के ऊपर क्लिक। बैंक बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया वो UPI बैंक अकाउंट HDFC बैंक 3712 जो मेरा है, ये लास्ट के डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है। कर देते हैं क्लिक। उसके बाद में डालना आपको अपना UPI पिन, जो भी आपका UPI पिन आपने लगाया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डाल देने के बाद में करना आपको क्लिक ओके ऊपर, और आपका यहाँ पे फैचिंग बैलेंस, ये आपका बैलेंस आपका फैच होकर आपके सामने आ गया, आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस अभी अवेलेबल है। तो आप और देना डन, भैया अपना बैलेंस चेक हो गया। अगर हमारे को किसी के पास अभी मनी भेजनी है तो कैसे भेज पाएंगे हम मनी, तुम्हारे को जाना है अभी टू कॉन्टैक्ट के अंदर। यहाँ से अपने मोबाइल नंबर आ जाएंगे सर, जिसके पास आप पेमेंट भेज सकते हो या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मैं जिस नंबर में आपको पेमेंट भेजेंगे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो मैं डाल देता हूँ एक नंबर। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अभी हम बैंक अकाउंट में कैसे पैसे भेज सकते हैं। तो हमारे को करना है यहाँ पे टू अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, टू अकाउंट के ऊपर करना हमारे को क्लिक। और जैसे हम यहाँ पे शो हो गया टू अकाउंट, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बैंक अकाउंट एंड UPI ID। तुम्हारे को करना बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक, एड बेनिफिशियरी अकाउंट आपको डाल देना भाई, कौन सी बैंक का आपका अकाउंट है, बैंक का आपको यहाँ पे डाल देना, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में डालना आपको वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, और दोबारा से भी अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको IFSC डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में डालना आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम, और उसका फोन पे नंबर है तो ऑप्शनली डाल सकते हो, उसका नेक नेम भी आप डाल सकते हो ऑप्शनली। तो मैं डाल देता हूँ डिटेल। तो दोस्तों मैंने डिटेल डाल दी है, उसके बाद मैं करता हूँ कंफर्म के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया सीधा एंटर अमाउंट, आपको कितनी अमाउंट डालनी है मैं डाल देता हूँ। आप यहाँ पे डाल सकते हो ID मैसेज, उसकी स्टेटमेंट में भी शो करेगा आप जो यहाँ पे मैसेज डालोगे। तो मैं डाल देता हूँ गिफ्ट। यहाँ पे आ गया आपका डेबिट कार्ड, और आपको करना है सेंड के ऊपर क्लिक। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ने जो 4 डिजिट का UPI पिन लगाया था उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही आप पिन यहाँ पे एंटर कर दोगे आपको करना है ओके। ओके करते ही पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा, और जिसके पास में आपने पेमेंट भेजी है उनके पास ये पेमेंट चली जाएगी तुरंत। यहाँ पे मैसेज भी आएगा डिटेल का। ऐसे आप पैसे भेज सकते हो किसी के भी बैंक अकाउंट में, उसके पास फोन पे या हो या ना हो।
लेकिन आपके पास फोन पे होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।